हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मी आ चुकी हैं अपनी बहू की विदाई करने के लिए। अभी आई हैं, अभी ब्रश कर रही हैं और मेरी पैकिंग यहाँ पे रूम में चल रही है। मैं नहा ली हूँ बट अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। सोची कि सबसे पहले तो मैं पैकिंग कर लूँ जो जो सामान मेरे इधर उधर थे। और यहाँ पर जो मम्मी ने पॉलीथीन में जो चीज़ दी है ना, उसमें चावल है, मतलब घर का चावल है और वो खीर बनाने के लिए थोड़ा सा था। तो मैंने पूछा मम्मी ने कि दे दूँ, मैं बोली दे दीजिए, वैसे भी सामान तो सारा कुछ रखना ही है तो उतना से तो कुछ होने वाला नहीं है। और बैग में कपड़े भर भर के रख रही हूँ मैं, क्योंकि आ ही नहीं रहे थे कपड़े। और यहाँ पे देखिए, ये वाला भी बैग का जिप ना बंद नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती का मैं बंद कर रही हूँ, ताकि ऐसा लग रहा था कि एक बैग में दो कपड़े और एडजस्ट हो जाए, ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी। और फिर मम्मी थोड़ा सा चावल और लेके आई, मेरे से पूछी तो मैंने बोला कि हाँ दे दीजिए, तो थोड़ा सा और लेके आई। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम लेके जाते हैं ना घर से, वहाँ ले जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो घर का है और ये जब बनाओ ना तो इसकी खुशी कुछ और होती है। और अभी 9:30 बज रहे थे मॉर्निंग के, और मम्मी का ऐसा था ना कि नहीं आएंगी, लेकिन ये भी काफ़ी दिन बाद आए थे तो वही मिलने के लिए मम्मी बोली कि तुम फिर आ गई और उसके बाद फिर से चली जाएंगी वो, तो इसीलिए आई हैं कि हम लोग जाने वाले थे, मिलना भी हो जाएगा और ये भी आए हैं तो मिलना हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मम्मी थोड़े थोड़े मुझे सजेशन दे रही थी, ऐसे रख लो सामान को, तो वहीं सब जैसे बता रही थी वैसे रख रही थी। और ये जो मैंने पॉलीथीन से निकाल के ये बैग डाला है, एक पॉलीथीन बैग में डाली हूँ ना, उसमें बिस्किट वगैरह थे, तो जो भी ऐसे सामान थे ना उसको मैं उसी बैग में रख रही हूँ, क्योंकि वो बैग मैं अपने पास रखूँगी। ये देख के बोल रहे थे सामान को, बाप रे कैसे जाएगा ये सारा सामान। मैं बोली जैसे भी जाएगा, लेके तो जाना ही है, अगर आप बोलोगे तो फिर मैं थोड़ा सा सामान रख लूँगी। लेकिन फिर भी मैंने बैग ना बहुत कम कर लिए, 4-5-6 थैला था ना, उसकी जगह पर बस मैंने 2 थैला कर लिया है। और मैं यहाँ पे इनसे बोल रही थी कि स्पर्श क्या पहन के जाएगा, आप चूज कर लो, तो ये वही बता रहे थे, बोल रहे थे कि लोअर पहन के जाएगा, कंफर्टेबल रहेगा, नहीं तो ऐसा जीन्स वीन्स में ना पेट दब जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम होगी। और काफ़ी देर तक हमें बैठना है, काफ़ी लंबी जर्नी है हमारी, पता नहीं ऐसे सोच के लग रहा था ही ना कि कैसे हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे उसके कपड़े सेलेक्ट हो चुके हैं, लोअर और जो सिंपल टी शर्ट है ना, बिल्कुल जो कम्फर्टेबल है, मतलब बोले ना जितने भी जो भी कपड़े पहन के जाने, कंफर्टेबल पहन के जाने। और ये जो बैग आप देख रहे हैं ना, इसमें तो पूरा उलन कपड़ा भरा हुआ है। मैं सर्दी में आई थी तो कपड़े ज़्यादा हैं ही, वो उलन कपड़े ना वो ज़्यादा हो गए, फिर भी मैंने कुछ उलन कपड़े यहाँ पे रख दिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, मतलब अपनी कुर्ती जो पहन के जानी है वो कुर्ती मैंने अभी वेयर कर ली है। इयर रिंग्स मैं डाल रही हूँ, और इयर रिंग्स जो बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने रील्स वीडियो जब बनाई उन्होंने बहुत सारे बार ये वाला इयर रिंग्स डाल रही हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, एकदम लाइट वेट है इसका और मुझे अच्छा लगता है। सारे ड्रेसेस जो भी ड्रेसेस पहनूँ उस पर आराम से मैच करता है, क्योंकि पर्स वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट सारे ड्रेस पे मैच करते हैं। और उसके बाद मैं कॉम कर ले रही हूँ, और जो मैं चूड़ा मायके से डाल के आई थी उसी तरीके से मैंने पहना है, थोड़ा सा कम कर लिया है, इसमें से चूड़ियाँ निकाल ली है बीच से, और यही बस जैसे था वैसे। और दुपट्टा जो येलो कलर का था वही मैंने अभी ले लिया है। तो कॉम करने के बाद फिर मैं अभी किचन में जाऊँगी, क्योंकि खाना वाना खाना है, खाना तो बन गया, बस रोटी बनानी है, बाकी सारा खाना बन चुका है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और थोड़ा सा अपने फेस पे मैं वाइट टोन पाउडर लगाई, और ये पानी का बोतल जिसमें गर्म पानी मैं रखी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तो गर्म पानी ही पीना है, तो एक बोतल मैं रख ले रही हूँ ज़रूरत पड़े तो। और तो इसको मैं इसी बैग में रखूँगी, ये वाला बैग मेरे पास ही रहेगा, जितनी खाने पीने की चीज़ें रखी है ना, छोटी छोटी बिस्किट या फिर चॉकलेट टॉफ़ी, ये सब मैं इसी में रखी हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने बेड भी ठीक कर लिया जो इधर उधर हो गए थे बेडशीट को, और उसके बाद ये स्पर्श का जो कलर्स वगैरह ना वो सब मैं ये पे छोड़ के जा रही हूँ, वहाँ जाके मैं खरीद लूँगी, तो ये सब मैं इसी
ब्रेड में ही डाल देती हूँ, वो आएगा तो फिर से ये करना ही है उसको यहाँ पे। और मम्मी यहाँ किचन में बैठी हुई हैं और मैं अभी जा रही हूँ खाना निकालने के लिए सबके लिए, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके, फिर भी निकलते निकलते हमें टाइम हो चुका है। तो अभी 11:30 हो रहे थे इस टाइम पे। और मम्मी और मैं मिलके दोनों लोग मिलके खाना निकाल रहे थे और राइस और दाल सब कुछ बन गया है खाना में ऑलमोस्ट। और ये अभी इनको भी खाना है और फिर हमारे साथ जो ये ड्राइवर लेके आए हुए थे उनको भी खाना है, वो भैया को भी। तो यहाँ पे सब्जी एक्स्ट्रा थी और इसीलिए मैं इसमें से ना निकाल रही थी और बाद में राइस भी देना होगा। तो तो यहाँ पे बस जो पैक करना था ना सामान वो सब पैक हो चुका है और मैं भी अभी खाना खाने वाली हूँ। इनको सब खाना दे दिए और यहाँ पे अचार मम्मी रख रही थी, जो भैया आए हुए थे ना इनके साथ उनको अचार चाहिए था, मिर्च वाला अचार। और अभी ये बोल रहे थे कि खाना जल्दी से खा लो, तो मैं बोली कि बस अब खा ही रही हूँ। और यहाँ पे फाइनली मैं अपना खाना निकाल के लेके जा रही हूँ खाने के लिए। एक रोटी ली हूँ और राइस पैक हो चुके हैं, इसमें तो सिर्फ खाने खाने का सामान है। अब देख रहे हो पेड़ा है, चिप्स है, अचार है, चूड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ जाके मैं आप लोग को ये खोल के दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं था। ये बैग है स्पॉश, यार ये मेरा ट्राईपॉड, मेरा ट्राईपॉड नहीं जाएगा तो जान निकल जाएगी मेरी ट्राईपॉड। और बस और चावल लेके जा रहे हैं घर से यहाँ से, और वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्या क्या लेके जा रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में अगर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे, ये भी आए फेस वॉश करके तैयार होने के लिए। मम्मी ने क्या रखा है इसमें, ये और एक है ये, एक में क्या है, एक में आलू है, एक में राइस है। ये देखिए हीरोइन से मिलिए, ये रही गुड गुड गुड, हेलो हेलो, आप सब लोग हेलो कर लो बाबू से। ओ क्वीन है, ये क्वीन है, क्वीन हो ना, अभी आती है मम्मा, अभी आ रही है। इनका नेट हमेशा लगा रहता है बाबू को, जब मर्जी तब नींद आती है, जब मर्जी तब उठती है। ये लो पकड़ लो, देखो पैंट में डाल लो,
यहाँ पे ये भी रेडी हो चुके हैं और उसके बाद ये छोटी बाबू को पैसे दे रहे हैं और मम्मी को पैसे दिए। जब भी जाते हैं तो मम्मी को पैसे ज़रूर देते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है ना बाबू, एकदम बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी, प्यारी सी लग रही थी, मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूँ। और ये गोद में भी उसको लिए, उसके बाद मैं ले ली यहाँ पर, और फिर ये जाने का टाइम हो चुका है और मम्मी बहुत ही इमोशनल हो रही थी। जब भी हम जाते हैं तो उनकी आँखों में तो आंसू आ ही जाते हैं और स्पर्श को तो स्पेशली बहुत प्यार देती हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं और पूरे ज़्यादातर मैं ब्लॉग में ना वॉइस ओवर की हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं सामने से बोल के और ब्लॉगिंग कर पाऊँ। और इतना हमारा आज का बिजी था ना, मॉर्निंग से हम सब बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। ये मैं अभी जो लाके पॉलिथीन में रखी हूँ, ये मम्मी ने जो प्लांट दिया था उसको मैं रखी हूँ, उसको बहुत ही अच्छे से लेके जाना है। यहाँ पर मम्मी इस पर से कुछ बातें कर रही थी, प्यार कर रही थी और बस अंदर बाहर थोड़ा सा कर रहे थे। अभी सामान तो अंदर था ही, अंदर से लेके आना था, बाहर थोड़े थोड़े सामान करके और आ रहे थे। यहाँ मीना भी आ गई है और ये न्यूज़पेपर में बोली ना कि रख लेते हैं, कहीं बीच में अगर हम खाना वाना खाते हैं तो काम आएगा। और बस ये 12 बजे के बाद का क्लिप है, अभी हम निकलने वाले हैं। मम्मी यहाँ पे स्पर्श से बातें कर रही थी क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे तो होता है ना कि बच्चों से मतलब कुछ ज़्यादा ही दादी लोगों का अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए दादाजी को देख के स्पर्श का फेस आपने देखा ना कैसे कर रहा था। तो वैसे तो दादाजी से मिल चुका है लेकिन अभी तो बस अभी खुश बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और ये सारे बैग अभी निकाल रहे हैं। और यहाँ पे सारा सामान अभी बाहर आ चुका है और उसको रखा जा रहा था किसी तरीके से ना एडजस्ट करना है कि सारा सामान आ जाए गाड़ी में। और सामान तो बहुत सारे थे, मैंने आपको बैग तो दिखाई और साथ ही साथ हम घर से कुछ लेके भी जा रहे हैं, जैसे चावल है और कुछ कुछ सामान है, जो चीज़ें हैं वो लेके जानी है क्योंकि पापा का था ना कि नहीं लेके जाओ इस बार अगर आए हो तो। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा सामान भरा हुआ है, वो सारे सामान अभी रख रहे हैं। और पापा हैं, ये हैं और जो भैया आए हुए वहाँ से वो हैं। तो ये सारा सामान लगभग अभी आधा तो रखा जा चुका है और थोड़ा बहुत है। मम्मी यहाँ बहुत इमोशनल हो रही थी और स्पर्श तो मतलब ना काफ़ी देर से स्पर्श को वो पकड़ के बैठी हुई थी। और स्पर्श को तो आप लोगों को पता ही, मैं बताती हूँ ना कि दादाजी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, दादी के साथ बहुत है। और मम्मी यहाँ मुझसे कुछ बोल रही थी। Thank you.
और बस वो टाइम आ चुका है हमारा यहाँ से विदा होने का। और यहाँ पे मीना मेरे पाँव छू रही थी और मैं बाबू को थोड़ा सा प्यार की, छोटे बाबू को, और उसके बाद मम्मी के पाँव छू के, और बस अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं। यहाँ पे मम्मी ना थोड़ा सा ना इमोशनल हो गई थी, रोने सी लगी थी, और स्पर्श को देख रहे हैं कितना सारा उसको प्यार मिल रहा है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, वैसे भी बहुत सारा ब्लॉगिंग मैंने कर लिया। और यहाँ पर अभी हम लोग बैठ चुके हैं और निकले हैं, और मास्क लगाना तो इस टाइम पर ज़रूरी है। और कुछ लोग सोचेंगे किस टाइम पर हम कैसे जा रहे हैं, तो ये मैं बता दूँ ना, 7-8 दिन पहले का ये हमारा वीडियो है। तो ब्लॉग की वजह से ना बीच में मैंने ब्लॉग्स नहीं डाला था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से मैं नहीं डाली, तो ब्लॉग्स थोड़े से पीछे हो गए मेरे। तो ये तो मैं आपको 2-3 पहले के ब्लॉग्स में भी बताई हूँ मैं। और अभी लेकिन इसके बाद फिर से आपको ना, जब मैं चंडीगढ़ के आपको ब्लॉग्स मिलेंगे तो इसी टाइम के रेगुलर के मिलेंगे, एक दिन बाद के ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल चुके हैं, और ये देवरिया से जो लोग मुझे देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं किस जगह पर हूँ। ये मेन मार्केट है देवरिया का, और आगे हम लोग कहीं और भी जाने वाले हैं, तो आप लोग को आगे के कल के ब्लॉग्स में आप लोग को मिलेगा कि हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं। मतलब यहाँ ससुराल से तो हमारी विदाई हो गई, लेकिन इसके बाद भी हम लोग ऐसी जगह जाने वाले हैं ना कि आप लोग को वो वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाओगे आप लोग, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर फर्स्ट टाइम, हमारा कोई प्लान नहीं था इस टाइम तक, कोई प्लान नहीं था कि हम लोग को जाना है। जब हम वहाँ पहुँचे थे तब हमें लगा था कि हम लोग वहाँ, यहाँ देखिए हम सब लोगों ने मास्क लगा लिया है। चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। Bye, love you.